Hello students, good morning all of you. आप लोग को पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 7 बताए थे यूज का. आज हम सीखेंगे रूल नंबर 8 सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज का. रूल नंबर 8 कह रहा है इस टेंस का प्रयोग टेलीविजन और रेडियो. टेलीविजन रेडियो पर क्या चीज? मैच, प्रोग्राम, सीरियल, फिल्म, ड्रामा एक्सेट्रा पर टेलीकास्ट के लिए किया जाता है. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज रेडियो और टेलीविजन पर जो टेलीकास्ट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. रेडियो और टेलीविजन पर आखिर क्या किस टेलीकास्ट होता है? सपोज दैट मैच हो, प्रोग्राम हो, सीरियल हो, फिल्म हो, ड्रामा एक्सेट्रा. इन सभी टेलीकास्टों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है. ये टाइम इन टेंस का रूल कहता है. आइए इस रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें. फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है इन दिस फिल्म माई ब्रदर प्लेज ए रोल ऑफ लक्ष्मण. इस फिल्म में मेरे भाई लक्ष्मण का रोल किए हैं. जिस फिल्म की चर्चा हो रहा है, जिस फिल्म का रेडियो या टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा है, उस फिल्म में सब्जेक्ट के ब्रदर जो हैं लक्ष्मण का रोल किए हैं. इसमें ना यह सेंटेंस रेडियो या टेलीविजन में जो टेलीकास्ट है उसमें दिखाया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है. दूसरा एग्जांपल पाते हैं हम लोग. गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स. गांगुली के बॉल मारने के बाद तोड़ते हैं, कैचेज इट इसे पकड़ा जाता है, एंड थ्रोज इट और इसे फेंका जाता है ऑन द स्टंप्स पर. यानी जो गांगुली है, आप लोग नाम सुनेंगे गांगुली का, बॉल को जो मारते हैं तो उसको पकड़ा जाता है फिर स्टंप पर फेंका जाता है. ये जो क्रिकेट जो है टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है. तीसरा एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे. इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ. इस फिल्म में मेरे बड़े भाई दशरथ का रोल किए हैं. यानी जिस फिल्म का टेलीकास्ट हो रहा है उसमें सब्जेक्ट के जो बड़े भाई हैं वह दशरथ का रोल किए हैं और यह मूवी का टेलीकास्ट होने के कारण इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है. तो ये एग्जाम्पल और रूल समझने के बाद ये जाहिर सी बात है कि आप लोग को समझा गया होगा कि जो रेडियो और टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है. एक बात आप लोग बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स देखते हैं
उसमें क्रिकेट के देखिए चाहे किसी भी खेल का कमेंट्री देखिएगा, उसमें प्रत्येक सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया होगा, क्योंकि ये टेलीकास्ट वाली घटनाएं होती है, टेलीकास्ट वाली बातें होती हैं, इसलिए उस पूरे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितने भी रेडियो और टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है उसको टाइम एंड टेंस के रूल के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आइए हम लोग अगले रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 9। इस टेंस का प्रयोग मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो ऑथर के स्टेटमेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इस दुनिया में जितने भी ऑथर हैं उनकी जितनी भी स्टेटमेंट है उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है टाइम एंड टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, गांधी जी सेज, आप लोग गांधी जी का नाम सुने हैं ना, जिनको इंडिया का द फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। गांधी जी सेज माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है, यह जितना पाता है उससे कहीं ज्यादा पाने की इच्छा रखता है, और उसे अगर उतना मिल भी जाए तब भी वह असंतुष्ट रहता है। तो ये जो सेंटेंस है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसटिस्फाइड, यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, और महात्मा गांधी एक ऑथर हैं, ऑथर भी हैं, उनके स्टेटमेंट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। शेक्सपियर का आप लोग नाम अवश्य सुने होंगे, विलियम शेक्सपियर जिनका फुल नाम है, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, उनका स्टेटमेंट है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, सच्चे प्यार का पाठ्यक्रम कभी सुचारू रूप से नहीं चलता है, सच्चे प्यार का पाठ्यक्रम कभी सुचारू रूप से नहीं चलता है। यानी जो यह सेंटेंस है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, सच्चे प्यार का पाठ्यक्रम कभी सुचारू रूप से नहीं चलता है, यह विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट होने के कारण या ऑथर के स्टेटमेंट होने के कारण इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। अगला एग्जांपल कह रहा है किड्स सेज, किड्स आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो बता दे रहे हैं बच्चे, आप लोगों से पहले 50 मार्क्स का इंग्लिश चल रहा था, 50 मार्क्स के इंग्लिश में एक जॉन किड्स थे, ऑथर थे, पोएट थे। तो जॉन किड्स जो थे वे उनका एक स्टेटमेंट था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी
इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की बात हमेशा के लिए खुशी है, सुंदरता की बात हमेशा के लिए खुशी है। यानी यह जो सेंटेंस है जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है, और जॉन कीट्स का स्टेटमेंट होने के कारण इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की बातें समझ में आ रहा है। इस एग्जाम्पल को, इस रूल को समझने से ये क्लियर होता है कि जो ऑथर के स्टेटमेंट होते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। आइए हम लोग रूल नंबर, अगले रूल नंबर की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10, इस टेंस का प्रयोग हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए किया जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स हैं उनको करेंट यानी जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस रूल को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है, एट लास्ट राम किल्स रावणा, राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मारते हैं। रामायण में राम जो रावण का वध करते हैं, इस घटना को करेंट बनाकर, जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल, बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, बाबर मैदानों को पार करते हैं, मैदानी क्षेत्रों को पार करते हैं। इब्राहिम अपोजेज हिम विथ हिज आर्मी, इब्राहिम बहुत सैनिकों के साथ उनका विरोध करते हैं। यानी यह हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स हैं और इस पास्ट इवेंट्स को करेंट बनाकर, जीवंत या ताजा बनाकर दिखाया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। चलिए आगे अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। कह रहा है, एट लास्ट भीम किल्स दुर्योधन इन द महाभारत, अंत में भीम महाभारत में दुर्योधन को मारते हैं। और इस पास्ट इवेंट्स को जीवंत या ताजा बनाया जा रहा है, इसलिए इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। तो यह एग्जांपल और इस रूल को समझने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि पास्ट इवेंट्स जितने भी हिस्ट्री के हैं उनको करेंट यानी जीवंत या ताजा बनाकर अगर दिखा जाए तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि यह टाइम एंड टेंस का रूल कह रहा है। चलिए बच्चा, ये आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस का 10 यूज था, ये 10 यूज आप लोग सीख गए। चलिए आप लोग को 4 प्रैक्टिस सेट एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा, आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा कितने राइट है कितने रॉन्ग है। ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल
द जीनियस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।